पांच राज्यों में लोकतंत्र का पर्व परवान पर है, लेकिन नेताओं के चुनावी वादों और दावों से खफा भादरेश के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित भादरेश के राजस्व गांव ईश्वरपुरा के ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। इससे आहत होकर वे इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान जहां देश के पांच राज्यों के लोग लोकतंत्र के इस पर्व की तैयारी में घुल मिल गए हैं, वहीं दूसरी ओर एक गांव ऐसा भी है जो इस पर्व में भाग लेने का इच्छुक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इस गांव के लोग इस पर्व में भागीदार बनना नहीं चाहते, लेकिन हर बार की तरह नेताओं और कार्यकर्ताओं के वादों और दावों से वो इस कदर आहत हैं कि सभी ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है। दरअसल आज़ादी के 7 दशक बाद भी जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर रहने वाले ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से आज भी जूझ रहे हैं। ये स्थिति है भादरेस के राजस्व गांव ईश्वरपुरा की, जहां के ग्रामीणों ने इस बार मतदान के बहिष्कार का झंडा उठाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ढाणियों के पास में ही राजवेस्ट का पावर प्लांट है, लेकिन 50 घरों की आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। विशाला और तिरसिंगड़ी बेर से लेकर उनके गांव तक सड़क नहीं बनी है, तो 2 साल पहले जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें आज तक पानी नहीं पहुंचा। रोड 3 तो होना चाहिए, गेहूं मन दे नहीं, कोई मार सो भी तो है आप कोई हाँ वोट फसे दे से और नहीं तो बस उतरा दिना हुआ सितारे। तो अबे तो हमें कहीं विरोध है, आप वोट देवला को देवला ना विरोध मार कहीं तुल भरियो को नहीं वोट मार ऐसो ही तो वही तो देश या नहीं तो को दियो। यहाँ क्या है कि भारत आजाद हुए कुछ 70 साल हो गए, पर अभी तक लाइट पानी और सबसे ज्यादा तो पानी जरूरत रहता है, वो भी आज दिन तक सुविधा नहीं है। तो वोट तो कई बार हमारे दादाओं ने वगैरह ने भी दिए, 50-50 साल उनको भी हो गए, पर अभी तक मूलभूत सुविधा जिनको अपन पानी लाइट बोलते हैं वो भी आज दिन तक बिल्कुल नदारद के बराबर है। वो अगर आप देखना चाहो तो आराम से देख सकते हो। प्रशासन का है ये तो हम तो विरोध ऐसे कर रहे हैं कि विरोध वोट देंगे मतलब क्या है वोट देने से, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि सब साथ में ही है ना, अकेला तो किसी का थोड़ा ही कर रहे हैं, हमारी सुविधा के लिए हम कर रहे हैं, बाकी विरोध किसी का नहीं कर रहे। वोट चाहिए तो सुविधा करे। जनसंख्या 40-50 घर है और कम से कम 400-500 आबादी होगी। गांव में हालात ये हैं कि राजवेस्ट कंपनी ने CSR मद से ग्रामीणों के लिए बाथरूम बनाकर दे दिए, लेकिन पानी के अभाव में आज तक उनका उपयोग नहीं हो सका। ग्रामीणों ने बिजली के आवेदन भी भरे और डिमांड भी जमा करवाई, लेकिन कनेक्शन आज भी उनसे कोसों दूर है। ईश्वरपुरा में ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के एक चेतावनी से दी है, पानी बिजली और सड़क आदि की, तो इसके लिए हमने ग्रामीणों से बात की है और अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया जाएगा कि जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक सुविधाएं दिलाने का कोशिश की जाए और उसको क्रियान्वित किया जाए। बहरहाल जहां एक ओर ग्रामीण मतदान के बहिष्कार के मूड में है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अभी मामला प्रकाश में आने की बात कह रहा है। चुनाव से पहले ग्रामीणों को सुविधाएं मिले ना मिले, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व का बहिष्कार करने का ग्रामीणों की ओर से मजबूरी में लिया गया निर्णय विकास के दावों पर सवालिया निशान लगा रहा है।